हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। आज हम आपके लिए ऐसा शेयर लेके आए हैं कि आपको मतलब माला माल कर सकता है ये शेयर। पिछले सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही कंपनी ने जो है ऑलमोस्ट 6000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है 27 मार्च से लेके जनवरी 13 तक ये कंपनी ने जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा वाला रिटर्न बना के दिया हुआ है। और कंपनी जो है आगे भी लगातार यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और अभी यहाँ पे जो है कंपनी का नया फाइनेंशियल क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। और इसी के साथ साथ अभी ये कंपनी के अंदर जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं बहुत ही शानदार हैं। और आने वाले वक्त में आपको यहाँ से जो है बहुत बड़े बड़े धमाके होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और कंपनी के बारे में और बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स भी एक्टिव हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.30% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पास रख ली हुई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी एक्टिव हैं। और सबसे कम अगर किसी के पास हिस्सेदारी है तो वो है पब्लिक के पास। आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने पहले 61 से 70% कर दी थी हिस्सेदारी, और वहाँ से थोड़ा सा इन्होंने जो है अपनी हिस्सेदारी को कम किया हुआ वापस। और वापस आगे भी ये कंपनी जो है ऐसे ही बढ़ते रहेगा, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस देगी, कैसा क्या करेगी। तो आपको जो है यहाँ पे ट्रस्ट रखना है और कंपनी के ऊपर पूरी तरह से मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास अगर हम रिज़र्व की बात करेंगे तो कंपनी लगातार अपना रिज़र्व को इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रही है। और बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी अपना रिज़र्व कम कर रही है, सॉरी इंक्रीज़ कर रही है। और अगर हम डेप्थ की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेप्थ बहुत ही कम है और उसके रिज़र्व से भी बहुत ही कम है। यहाँ पर रिज़र्व डेप्थ जो है कंपनी जब चाहे तो अपने आप को डेप्थ फ्री कर सकती है और अपने आप को मतलब यहाँ से जो है अच्छा खासा फाइनेंशियल रिज़ल्ट बना के आपको जो है बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर रिज़ल्ट दे के ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट बना के दे सकती है। कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम वक्त में ने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने शेयरहोल्डर्स को 6000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो कंपनी में वाकई कुछ दम है और ऐसी कंपनियों को जो छोड़ना नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी कैसी है क्या है। इससे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है रामा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड, और 32 रुपीज़ का ऐसा मार्केट कैप निकल के आ रहा है। और ये कंपनी जो है स्टील पाइप सेक्टर में और स्टील में पाइप और ट्यूब्स के सेक्टर में कंपनी काम करती है। इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है पीवीसी, जीआई पाइप्स और यहाँ पे जो है स्क्वायर सेक्शन के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सभी में ये कंपनी जो है काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू है वो इसी सेक्टर से आता है। और कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 1455 करोड़ रुपीज़ का है। करंट मार्केट प्राइस 32 रुपीज़ का है और 52 वीक हाई जो है इसका 46 रुपीज़ का है। 52 वीक लो जो है 11 रुपीज़ का है। आप देख सकते हैं कि 52 वीक लो से भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 300% ज़्यादा का है ये पे रिटर्न देते हुए कंपनी नज़र आ रही है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 2060 का निकल के आ रहा है। बुक वैल्यू उसकी 4.76 रुपीज़ है। डिविडेंड कंपनी 0.06 देती है। आरओसी आरओई दोनों के दोनों पॉजिटिव में है, अबाउट 20% है। तो ये कंपनी जो है पूरी तरह से शानदार है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो यहाँ पे खुद के प्रमोटर्स का ही है। कंपनी के प्रमोटर्स में ही यहाँ पे जो है शानदार माल खरीद के बैठे हुए हैं। डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ यहाँ पे कंपनी पर 144 करोड़ रुपीज़ का है। डेप्थ टू इक्विटी की अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो 0.66% की निकल के आ रही है। और इसके अगेंस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजर्व 208 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी के ऊपर बहुत ही शानदार है। और इसका अगर रिटर्न ऑन एसेट्स प्रॉफिट का अगर यहाँ पे बात करेंगे, प्रॉफिट ऑन एसेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% का है। इंडस्ट्री पी 16% की है। सेल्स ग्रोथ 15% से इंक्रीज़ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है डोमेस्टिक इन्वेस्ट होल्डिंग की जो बात करेंगे 0.64% की है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 3.30% की यहाँ पे जो है निकल के आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे जो निकल के आ रहा है बहुत ही शानदार नंबर है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम है और बेस्ट शेयर आपको हमारी तरफ से यहाँ पे खोज के दिया जा रहा है। इसके अगर प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड था और अच्छा क्वार्टर आ भी चुका है। और इसी के साथ साथ पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो है हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया हुआ है प्रॉफिट के साथ। और अगर हम यहाँ पे इसके कॉन्स की बात करेंगे तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है और फालतू की सारी बातें हैं, उसका कुछ मतलब मायने नहीं रखती है सारी बातें। इसके कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो कंपटीशन निकल के आ रहा है वो रत्नमालिनी मेटल्स, श्याम मेटेलिक्स, उषा मार्टिन और गोदावरी पावर, इन सभी के साथ ये कंपनी जो है कंपटीशन देती हुई नज़र आ रही है और अपने आप को खुद को एस्टैब्लिश भी करती हुई नज़र आ रही है। तो हमें ऐसे ही कंपनी में जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ से हमारा पैसा डूबने के चांसेस कम हो और बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो।
शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देना चाहिए यहाँ पे फोकस किया फोकस यहाँ पे दो तीन बातों पे करना चाहिए रहता है। पहला बात, आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। सेकंड, आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है वो कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा शानदार होने चाहिए। और अगर फंडामेंटल्स अगर सही नहीं है तो उसका जो रिजल्ट्स वगैरह हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसकी सेल्स है वो इंक्रीज मोशन में होनी चाहिए, मतलब डाउन अपग्रेड यहाँ पे ऐसे ऐसे वाली ऊपर जाने वाली रहनी चाहिए, ऐसा नीचे वाले आने वाली नहीं रहनी चाहिए। और ये कंपनी के भी कुछ ऐसे ही पैरामीटर्स हैं कि कंपनी के जितने भी सारे सेल्स वगैरह हैं सब कुछ यहाँ पे अपर ट्रेंड में आपको देखने को मिलेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार अपने यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज़ कर रही है कंपनी। और इसी के साथ साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार निकल के आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका अगर हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन है। ओपीएम भी इसका बेहतरीन निकल के आ रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कंपनी झंडे गाड़ती हुई नज़र आ रही है और लगातार अपने यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज़ करते हुए ये क्लियर दिखा रही है कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए टिकने के लिए आ रही है मार्केट में। और ये पूरी तरह से ट्रस्टेबल कंपनी है, आप यहाँ पे जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी का अगर हम प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया है 2021 से 2022 का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कंपनी जो है बहुत ही शानदार तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक CAGR सब के सब नंबर्स आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेंगे। कोई भी नंबर्स आपको हैं जो है यहाँ पे नेगेटिव में देखने को नहीं मिलेगा और यही इस कंपनी की जो है खासियत है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके बैलेंस शीट में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको कि इसके जो रिजर्व है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी के ये जो है कुछ खास बातें रहती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो पूरी तरह से कंपनी शानदार है। और अगर आप शेयर मार्केट के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक से भी पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से पेड मोनेटाइजेशन सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नॉन ड्रॉप वॉच टाइम सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिलेंगे और आपको मोनेटाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी जो है पूरी तरह से इसका जो कैश फ्लो वगैरह है सब कुछ ठीक ठाक है। इसका जो रेशो है डेप्थ के डेज का तो वो भी यहाँ पे जो है इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। 62 डेज का यहाँ पे जो इसका यहाँ था एक साल में तो हो गया है अभी यहाँ पे 53 है, तो इम्प्रूव का जो डेप्थ का डेज है वो भी अच्छा खासा इन्होंने इम्प्रूव किया हुआ है। और इसी के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए परफेक्ट है और आपको जो है ये मौका गंवाना नहीं चाहिए और पैसा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट से वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपको जो पैसा आपका अर्न करना होगा, आपका जो पैसा रहेगा वो हमेशा मतलब टाइम के हिसाब से बढ़ेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही काम करना है कि अच्छी से अच्छी कंपनी चुनना है और उसमें हाई क्वालिटी में आपको जो है स्टॉक बाय कर लेना है। और आप जब भी शेयर बाय करेंगे तो एक बात याद रखिए, शेयर को जो भी आप स्टॉक्स बाय करेंगे उनको 25 के सेट्स में बाय कीजिए, 25, 50 और 75, 100, ये इन सेट्स में बाय कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके कम वक्त में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है।